अरे अब मुझसे पूछोगी भी मेरे को यहाँ क्यों बुलाया है? देखने का जी चाह रहा था जाने। देख लिया, अब मैं जाऊँ? बात सुनो, हर वक्त क्यों तपी हुई रहती हो, मुँह से आग उगलती रहती हो? तो क्या मुझसे फूल झड़ेंगे? मेरा मियाँ दूसरी बीवी के साथ सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा है और मैं यहाँ से खुशी रहूँ, हर वक्त मुस्कुराती रहूँ। हाँ अबे सुकून से कहाँ से, उससे शादी नहीं की, ऐसा लगता गोद लिया हुआ है मैंने। गोद लिया हो या झूले से उठाया हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ कि मुझे घर कब लेके जा रहे हो? तुम्हारी अम्मा मामू से कब बात करेंगी? अबे क्या करूं, अम्मा परेशान है यार। वो निशो की शादी सिराज से हो रही है, वो भी पिस्तौल की नोक पर, और वो शमो की जो सास है वो अलग गंदे खा रही है। बेवकूफ आदमी, पिस्तौल की नोक नहीं नाल होती है, नाल। वाह 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 वाह, सारी बातें छोड़ के पिस्तौल की नाल याद रह गई तुम्हें? इतनी देर से जो बकवास कर रहा हूँ वो याद नहीं है? एक सुहागन का दिल दुखा है तो मारी माँ ने, ये सब तो होगा ही। कौन सी सुहागन, ये बोल खुफिया सुहागन, किसी को पता थोड़ी कि तू सुहागन है। अच्छा बस ये सब छोड़ो, मैं एक बात बता रही थी कि मेरा यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। शिफ्ट हो रही, इकला घर छोड़ रहा है क्या? नहीं नहीं मामू ना बाहर गांव जा रहे हैं, तो मैं और मामानी ना खुर्शीद खाला के घर रहेंगे। अबे ताई के यहाँ? हाँ। अबे क्या कह रही है, वहाँ पे एल्फू है, सब पता है उसे? हाय हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अजीब टेंशन डाल दी है यार। शेट, अब क्या करेंगे। अच्छा छोड़ो ये सब, मेरे को तो टेंशन हो रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ। अबे तो मैं यार चौकीदार के साथ डेट मारने बैठा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। चलो फिर। अल्लाह निशो, मेरे ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे क्या हुआ अम्मा, सुंदस का फोन आया क्या? नहीं ना सुंदस का नहीं, मैं तो शमीम की वजह से परेशान हूँ। अल्लाह क्या कर दिया फिर उसकी सास ने मेहरुन्निसा। उसने ना शमीम को बोला है अगर मेरी बेटी को तकलीफ दी ना तो तुम लोगों की खैर नहीं है, छोड़ूंगी नहीं। अब भला बता इस बात का क्या मतलब हुआ है? और ऊपर से वो किया है वो किसी लड़की का फोन, कहीं मेरी बच्ची ना मुश्किल में ना पड़ जाए। अम्मा एक बात बोलूं, तुमने ना बहुत गलत किया, फिलेट की लालच में आके ना भाई नवाब को भी फंसा दिया और शमीम बाजी को भी, और दुल्हन तो तुम ऐसी लेकर आई हो कि मैं क्या बताऊं। उस मासूम भाभी से तो कुछ बोल ही नहीं सकते, अपना टाइम वेस्ट होता है बस। उस बिचारी पिता ने तो हमें रहम ही करना चाहिए। अब मैं तो ये बोलूंगी अम्मा तुम सब कुछ अल्लाह पे ही छोड़ दो, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती की नवाब और शमीम का रिश्ता तय करके, मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ अम्मा तुमने बहुत बड़ी गलती की है उन दोनों का रिश्ता तय करके और मेरा रिश्ता ना तय करके, पूरा बोलो ना। फिर बीच में अपने आप को ले आई, कितनी बार कहा है कि खुद को नहीं घुसाया कर हर जगह। अरे मैं तो ऐसी एक बात कर रही थी। ऐसी बात कर रही थी, मुझे ना सुंदर की याद नहीं दिलाया कर, पता नहीं मैं क्या कह रही थी और क्या बोले जा रही है तू, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा मैं सुन रही हूँ, मैं तू बोल क्या बोलना है, बोल। क्या बोलूँ मुझे ये पता, मैं क्या करूँ। अम्मा कितनी बार बोलूँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, बस तू दुआ कर अल्लाह से। एक तो वो लड़की, ये कहीं वो लड़की का शाहिद के साथ चक्कर तो नहीं है? चक्कर? बड़े हैंडसम है ना शाहिद, तो बड़े गुलफाम लगे, लड़कियां मरेंगी उन पे। वैसे बावली लड़कियां भी होती हैं दुनिया में, हो सकता है मर रही हो शाहिद भाई पे। ये क्या कह रही है तू, मर रही है नहीं मर रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसी बातें की जा रही है। हाँ नहीं तो। अच्छा ना अम्मा तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरी ना अच्छी मलाई वाली चाय बना के ला दूँ, तू बैठ के सोच, बैठ के सोच, बैठ के सोच। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। एक बात बताऊं? क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप, और कौन सी बात? ओना मैंने अम्मा को तुम्हारे बारे में बता दिया है। वाकई? हाँ ना, वो अम्मा को 2 लाख दिए, इतनी ज्यादा परेशान हो गई, मजबूरन बताना पड़ गया कि 2 लाख तुमने दिए। अरे यार अम्मा को नहीं बताना था, जो मैंने मना भी किया था, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या सोच रही होंगी। अच्छा अब छोड़ो मेरी बात गौर से सुनो। लगता है कोई ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ है तो सही, तो बताओ ना। इधर आओ, देखो मैंने तुम्हारे बारे में दादी को सब बता दिया और दादी ने अब्बा को, तो अब तुम्हें बाकायदा अपनी फैमिली को लेके मेरे घर पे आना है, दादी ने बोला है। हाँ क्या कह रही हो, कब हो गया, कैसे हो गया ये? अभी 3-4 दिन पहले बस। यार तुमने तो अजीब परेशानी दे दी मेरे को, तुमने मेरे बारे में बता तो दिया ना मैं क्या करता हूँ, मेरी फैमिली के बारे में, मेरी जॉब के बारे में, ऐसा ना हो बेइज्जती हो जाए यार। अज्जू रिलैक्स, मैंने सब कुछ बता दिया और कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा है, और दूसरी बात बेइज्जती नहीं होता है, बेइज्जती सही लफ्ज है। हाँ ना यार भाई। अज्जू तुमने फिर अभी बोला। अच्छा ना ठीक है सॉरी। सही है, अब चले। कोई नहीं यहीं खड़े रहो,
हर दफा तुम ये बोलते हो चले चले, अब 10 मिनट बाद चलेंगे। अच्छा मुझे काम है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे को तो नहीं है ना कोई काम, मेरी तो छुट्टी। वो देखो तुम बहुत शरारती हो। अरे चलो ना चले प्लीज अज्जू, मेरा अर्जेंट काम है। ये नवाब यहाँ तू क्यों लेटा हुआ ऐसे? अम्मा यहाँ भी लेटूं तो तुमसे पहले पूछूं क्या? एक इस बात का गुस्सा है तुझे हैं? वाह माँ वाह, एक अनदेखे फ्लैट की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और पूछती हो किस बात का गुस्सा है? शादी धोखे से कर दी और पूछती हो किस बात का गुस्सा है? वाह अम्मा वाह, क्या बात है तुम्हारी। किस लहजे में बात कर रहा है तू मुझसे बेगैरत? तो और क्या करूं, फ्लैट के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। किधर है फ्लैट बताओ, फ्लैट है किधर? वो है ना बस है। अम्मा है किधर? आसमानों में है, ख्यालों में है, या वो सुलेमानी टोपी पहनी हुई है, नजर नहीं आता किसी को। अम्मा मैं बता रहा हूँ, शमी मारा की जो सास है ना तुमको बेवकूफ बना गई है और पागल लड़की मेरे सर बांध गई है। अब एक बात बोलो। बोलो। शाहिद की माँ है ना, तेरी शादी से पहले ना यहाँ आई थी, वो मेरे को ना फिलेट की फाइल दे गई है। क्या? हाँ सही बोल रही हूँ, और उसने मेरे को बोला था किसी को बताइयो मत, और ये भी ना बताइयो कि मैंने फिलेट दिया है। क्या बात है अच्छू, कौन सी खास बात करनी है आखिर तुझे? वो अम्मा अब्बा बात दरअसल ये है कि अबे तो बोल भी दे, क्यों हमें डरा रहा है तू? वो तुम लोगों को बुलाया है भाई। बुलाया है? क्या मतलब है, किसने बुलाया है? वो अम्मा शहनाज की दादी ने, तुम दोनों से मिलना चाहती हैं वो। अरे वाह भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अबे कब बुलाया उन्होंने? हैं? तुम्हें क्या हो गया भाई, अज्जू से ज्यादा खुशी तो तुम्हें हो रही है। अरे तो क्यों खुशी ना हो, मैं तो मन्नतें मांग रहा था इस बात की कि मेरे बेटे का रिश्ता किसी अमीर घराने में हो जाए। अल्लाह ने मेरी सुन ली है। तू बता बेटा कब चलना है उनके घर? भाई जब तुम दोनों बोलो, बस मेरे को बता देना, मैं शहनाज को बता दूंगा। अरे नहीं अज्जू, तू ही बता कब चले। अरे ये क्या बताएगा, तू बोल कब चलें, कल चलना है? मैं तो कहता हूँ कि आज शाम ही चलो, 6 बजे शाम को चलते हैं। हाँ अभी क्यों ना चलें, हैं? जा मुंह धो के आ। देख भाई ये अब मेरी हटा रही है। अबे भाई अब्बा अम्मा लड़की रहे हो, आराम से तसल्ली से मशवरा कर लो ना कि कब जाना है। ऐसा करते 2 दिन का रख लेते हैं, फिर मेरे को बता देना तुम लोग। चल ठीक है, मैं तुझे सोच के बताती हूँ। अबे इसको छोड़ यार, ये क्या बताएगी सोच के, मैं तेरा बाप हूँ, मेरे से मशवरे के बगैर ये बता सकती है क्या? वाह भाई वाह। अब्बा तुमसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं होगा, फिक्र क्यों कर रहे हो भाई? हाँ देखो ये किया ना इसने अकलमंदों वाली बात, इस बात पर तो ये बिल्कुल अपने बाप पर गया ईमान से। हाय हाय अल्लाह ना करे भाई। अबे क्या बोला तूने? भाई फिर तय हो गया, परसों शाम 6 बजे चलने हम लोग, है क्यों अब्बा? हाँ भाई ठीक है बिल्कुल, शाम 6 बजे बिल्कुल पक्का। अम्मा ठीक है ना? तू कह रहा है तो ठीक ही है। अरे बेटा तुझे बहुत मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। अम्मा टाइट लग रहा हूँ ना मैं। अरे क्या बात है तेरी यार। शहजादा तू मेरा। तेरा ही नहीं है, मेरा भी बेटा है। हाँ। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कालों में झुमका। ओए, 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 तेरे गले में कुछ फंस गया क्या, जो हो कर रहा है, क्या हो गया? अरे अम्मा तुम्हें ही याद कर लिया था मैं तो। है, मुझे याद कर रहा था, और वो भी इतनी भयानक आवाज में, क्या हो गया खैरियत? अरे अम्मा वो ना बहुत टाइम हो गया, तुम्हारे हाथ की कड़क वाली चाय नहीं पी है, एक कप तो बना दो। मेरे मुंह पे क्या खुर्शीद चाय वाली लिखा हुआ है? मेरा कोई ढाबा वाबा है जहाँ मैं चाय बनाती रहती हूँ सारा दिन बैठ के? जिसका मुंह उठता है वो चाय बना दो, चाय बना दो, बस चाय बना दो। अरे माँ से मोहब्बत नहीं है कि तुम लोगों को? पहले मेरी तो सुन लो, मैं क्या कहने आई हूँ यहाँ पर। अरे अम्मा इतना गुस्सा कर लिया, इतना कुछ झाड़ दिया, बताओ क्या बात है? मैं ये कह रही थी कि मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि इखलाक जो है वो हल्दीराम शहर से बाहर जा रहा है, उसे कोई बहुत जरूरी काम है तो। अरे खुशी की बात है ना ये, इतनी खुशी की बात है, गया जान छूटी, टेंशन खत्म। चुप हो जा वरना उल्टे हाथ का दो। अरे मैं ये कह रही हूँ कि वो जा रहा है शहर से बाहर, तो जरीना हमारे घर में आके हमारे साथ रहेगी चंद दिन के लिए। अरे ये क्या कह रही हो अम्मा,
अरे सुन दो, इतनी मुश्किल से हजम होती है, बर्दाश्त करके कर थक गया हूँ मैं, ऊपर से एक और खर्चा उठा के सर पे ला रही हो तुम मेरे। बहुत मारे बहन है तेरी, और इस हालत में क्या मैं उसे अकेला छोड़ दूंगी? नहीं नहीं, वो यहीं रुकेगी, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। अरे तो बहन है तो उसकी बर्दाश्त का ठेका मैंने उठाया हुआ है, बाकी सारे क्या तालियां बजाने के लिए बैठे हुए हैं। अरे इस बार कुछ नया होगा, तू देख तो सही। नया क्या मतलब? मतलब ये कि वो रहेगी तेरे कमरे में और तू सोएगा तख्त पे, है ना नया? अम्मा एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अपना कमरा मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे वो किसी नहीं है, तेरी बहन है, सगी तेरी बहन। अरे जो भी है सिर्फ मेरी बहन है, सारों का ठेका मैंने उठाया हुआ क्या? बस कर जा, मैंने कह दिया और मेरी बात आखिरी होती है, मैंने कह दिया कि वो तेरे कमरे में रहेगी तो वो रहेगी, सामान के साथ आ रही है और रुकेगी वहीं पर। देख लो अम्मा एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम तुम्हारी बेटी है ना, तुम रखो अपने कमरे में। कमबख्त मारा, मुझे धमकी देके गया है? अब देख तेरा सामान कहाँ जाता है, वो पीछे वो जो मुर्गियों का दड़बा है ना, वहीं पे सुलाऊंगी तुझे, देख वहां बिछाऊंगी तेरा बिस्तर अब मैं। Every night in my dream I see you, I feel you. The number you are dialing is not responding. क्या हो गया वे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं जबकि अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं। देख शायद मेरा दिमाग ना बहुत शॉर्ट हुआ है, मेरे मुंह ना लगना, मुंह तोड़ दूंगी वरना मैं तेरा। अबे क्या हो गया ये, इस हीरे लड़के को भी तो कोई बताओ। क्यों तेरी माँ ने, तुझे नहीं पता तुम वहां से चलता हो यहाँ तशरीफ लाया? अम्मा ने ऐसा क्या कर दिया वे? तेरी अम्मा ने आज मुझसे गन पॉइंट पे 2000 रुपए छीने। गन पॉइंट पे? अबे अम्मा के पास गन कैसे आई? उफ, मेरा मतलब है कि जबरदस्ती मुझसे 2000 रुपए छीन ली है। और गन तो तेरी अम्मा के पास आ भी नहीं सकती क्योंकि वो इतनी बड़ी गंद है कि गन के पास गन नहीं हो सकती। ये सभी बार आप ना, तू मेरी अम्मा की बहुत बेइज्जती कर रही है और मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरी अम्मा की कोई बेइज्जती करे, तो मैं बताऊं तेरे को। वाह भाई वाह, और तेरी अम्मा जो दिन रात मेरी बेइज्जती करी थी, मुझे जलील करी थी, वो तुझे नजर नहीं आता, तब तुझे शर्म नहीं आती बेगैरत? लो इसमें शर्माने की भला क्या बात है, तुम भी मेरी अम्मा भी मेरी, इसमें अब क्या शर्माऊं मैं? अरे अल्लाह पूरा किस्सा नहीं सुना कि मेरे साथ हुआ क्या है और अपनी अम्मा की हिमायत लेनी शुरू कर दी। अच्छा भाई बता हुआ क्या है? तेरी अम्मा ने मुझसे 2000 छीने तो छीने, और साथ करके पूरी तनख्वाह मैं अपनी अम्मा को दूंगी। हाँ तो ठीक ही तो बोला मैंने, इसमें गलत क्या? ले भाई जमी मेरा तो सुन ले, पूरी तनख्वाह तो अम्मा को मैं तेरी कद्दू नहीं लेने दूंगा, हाँ आधी तनख्वाह तू मेरे को देगी और आधी तनख्वाह तू अम्मा को देगी, क्योंकि मेरी तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता ना, इस वजह से समझा कर थोड़ा। लेकिन मेरी अम्मा इस बात पे राजी भी थी कि मैं तनख्वाह उसको दूंगी। तो अब तो शादी होगी, अब क्या कर लेगी, बता दियो जाके अपनी अम्मा को। हाँ ऐसे नहीं, हमने इतना पैसा लगा दिया शादी पे और खाना खिलाओ, मेरे को भूख लग रही है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? क्या हो गया अखलाक भाई को, फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ रह गए। अबे मुन्ने यार अखलाक भाई कहाँ रह गए थे, फोन भी नहीं उठा रहे हो? देख 8 बजे का टाइम है, देखो 9 बज रहे हैं। हेलो क्या? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुन्ने ऑफिस को बंद कर और चुपचाप घर चला जाओ, और जब तक मैं फोन ना करूँ ना, ऑफिस दोबारा खोलना नहीं है तूने, मैं बता रहा हूँ ऑफिस दोबारा नहीं खोलेगा तू जब तक मैं ना फोन करूँ, समझा? बंद करके घर जा, घर जा, घर जा, घर जा। राग भाई हुआ क्या ये तो बताओ। आजा आजा बतूल, ये सामान सारा यहाँ पर रख दे। घर में कोई नहीं है क्या, सब कहाँ है? अरे यहीं पर होंगे, कहाँ होंगे? अम्मा मुन्ना कहाँ हो, सब लोग बाहर आओ। हैं? तू इस वक्त क्या हो गया, खैरियत तो है? अरे अम्मा अपने मैके में आते हुए बंदे को पूछना चाहिए, मेरी अम्मा का घर है। वैसे भी अम्मा मैंने तुझे बताया था ना कि 1 लाख वो जमीन के सौदे के लिए बाहर जा रहा है, तो बस वो जैसे ही उसने सामान पैक किया वो गया, मैंने सामान पैक किया, मैं यहाँ आ गई। जब तक 1 लाख नहीं आएगा ना मैं यहीं पर रहूंगी बस। है और ये कमबख्त मारी अच्छा अच्छा ठीक है आई गए तो नाश्ता वास्ता तो करके आए होगे ना तुम? नहीं मेरे को बहुत भूख लग रही है, क्या बना है? अरे अम्मा नाश्ता कहाँ करना था हम लोगों ने, मैंने सोचा कि अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ, नाश्ता वहाँ करूँगी और फिर बैठ के ना अम्मा के साथ ढेर सारी बातें करूँगी मैं। अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। क्या बात, तुझे भूख लग रही है ना,
अब तू ऐसा कर, वो रहा सामने बावर्ची खाना, और मैंने अभी अभी चाय का पानी भी रखा है, उसी में दो कप और डालियो, चाय बढ़ाइयो और दो चार पराठे बना ले और अंडे निकाल के आमलेट बना लियो। लेक ज्यादा नमक मिर्च इस्तेमाल नहीं करना, मुझे थोड़ी सी ना गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। जा शाबाश, जा कर जल्दी से बना जा। और वो ये सामान ना वो तू ले सके, वो सामने कमरे में रख दे, ठीक है, और बाद में नाश्ता बना। हाँ जा जा जा, मेरे लिए भी एक चाय जा। मैं भी हूँ ना, जरा काम वाम करवा। इसी तरह से अपनी इससे कहा ना लुगाई से कम पकड़ लाइजी, मेरे लिए भी एक चाय। छोड़े ना अम्मा, किन बातों में। ये तो तूने अच्छा किया, मनु कुमारी को साथ में आई, अब हमें काम की कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अच्छा बैठ जा, तेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं, बैठ 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 बैठ। नहीं मैं जरा सुंदर को बता के आऊँ ना ये बात। चोरू का गुलाम कम वक्त मारा, उसको बताए बगैर तो तेरी रोटी हजम नहीं होती ना। और बता फिर कब तक आ रहा है ये हल्दीराम? अरे अम्मा मुझे तो पता नहीं कब तक आ रहा है, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा ना मैं यहीं पर रहूंगी तेरे साथ। मेरे साथ? अब इस बगैर चूने के घर में तुझे आराम आ जाएगा? ठीक है अम्मा, मैनेज कर लूंगी, मैं रह लूं। बड़ी मैनेज कर लूंगी। बच्चा ए जरा जल्दी बना ले, अब तो मुझे भी भूख लगने लग गई। कहाँ रह गए मुन्ना? अबे मुन्ना नाश्ता ले आए? नहीं। अबे क्यों नहीं लाए? वो जरीना और बतूल आ गए नाश्ता करने। नहीं तो? अबे यार जरीना का तो रोज कहीं आने जाने का मसला है ना, अबे मैंने कहीं सुना था इज्जत गवा देता है रोज का आना जाना। हाँ लेकिन मुझे लगता है शायद वो रुकने आई है, सामान भी साथ लाई है। अबे दिमाग तो ठीक है? जरीना का? अबे नहीं तुम्हारी अम्मा का। अम्मा का? सुंदर अबे यार ये चोंचलेबाजी ना शादी के बाद अच्छे नहीं लगते, अम्मा से कहो उससे कहो वापस जाए अपने घर। नहीं सुंदर देखो जरीना की अम्मा का घर है ये। अबे एक जमाने में हुआ करता था, अब ये जो घर है ना वो मेरा है, उसका असल घर जो है ना इखलाक भाई का घर है। अब कैसा लगेगा तुम मुझे बताओ, हम सारे सामान बांध के ना अपना इखलाक भाई के घर पहुंच जाए रहने, बताओ उन्हें कैसा लगेगा? वो पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन सुंदर अब आ गई है वो तो कर लो बर्दाश्त। अबे मैं किस किस को बर्दाश्त करूँ, तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ काफी नहीं है क्या? उससे को चलती बने। नहीं 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 सुनो प्लीज प्लीज सुनो, देखो मेरी बहन है वो तंग नहीं करेगी तुम्हें, तुम बस उसके साथ टिक टिक रहना, वो भी सही रहेगी तुम्हारे साथ। तेरी बहन की ऐसी खातिर में दारत करूंगी ना मैं, तू देख। अम्मा मेरी सास तुमसे भी ज्यादा लालची है। ये क्या बकवास कर रही है तू? अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें करते हैं कोई? हाँ तो सही तो कह रही हूँ, ये जो बट्टे सट्टे की शादी होती है ना सुख नहीं देती दुखी देती है। अब तुझे क्या दुख लग गया? ये इसकी अम्मा है ना शाहिद की, मेरे से 2000 रुपया त्याग के चली गई, और जब मैंने शाहिद को बोला तो पता है क्या कहता है? मैं घर का खर्चा अकेले नहीं चला सकता, क्या मैंने खैराती इदारे में शादी की है अम्मा? देख शमीम मैं ना अभी बहुत परेशान हूँ, मुझे बार बार फोन करके ना तंग नहीं कर। उफ अल्लाह अम्मा, मतलब निकल के तो पहचानते ही नहीं हो, तुमने नवाब को फ्लैट मिलने के चक्कर में शादी कर ली और मुझे यहाँ झन्नो में फंसा दिया, और अब तुम खुद परेशान बनी हुई, तुम इतनी सख्त कैसे हो सकती हो? देख मैं ना मीशो की रस्म की वजह से बहुत परेशान हूँ, अभी तू ना फोन बंद कर दे, बंद कर फोन। कहीं की हाय अल्लाह मेरा फोन काट दिया, इतनी इज्जत रह जाती है भाई शादी के बाद। शमी मारा ये तू किससे बात कर रही थी फोन पे? अम्मा से कर रही थी, और किससे कर रही थी? बात सुन, ये ना शादी के बाद ससुराली मामलात में माओ की दखल अंदाजी से ना हालात खराब हो जाते हैं। अच्छा तो मुझसे 2000 लेने के बाद भी तुम्हारे घर के औलाद ठीक नहीं हुए? अच्छा चुप कर, रात के बर्तन रखे हुए हैं बर्ची खाने में, वो धो लीजिए। मैं? हाँ हाँ तू, और क्या? अब तू कहेगी कि मेरी हाथों की मेहंदी नहीं उतरी अभी तक। हाँ देख ली यहाँ ना ये चोंचले नहीं चलेंगे, समझ में आया कुछ? चल जा, जाके काम कर। बड़ी आई चुड़ैल ना, शायद तेरी मोहब्बत में ना मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। हाँ नहीं तो शादी करने की ना सजा मिल रही है मेरे को। चल बतूल ये सारा सामान ना इस कमरे में कहीं पर सेट कर दे। टेंशन नहीं डालो मम्मी, अब भी ठीक कर देती हूँ मैं। तो दुआ कर तुम्हारे मामू का काम हो जाए, फिर ना लोगों को आग लग जाएगी, लोग ना वैसे किसी को खाता पीता देख ही नहीं सकते। ये तो है। जरीना कितने दिनों के लिए आई है तू यहाँ? ये मेरी अम्मा का घर है, तुम्हें क्या मसला है? अबे सुन तू मसले करती नहीं है, मसले हल करवाती है वो लोगों के, यकीन नहीं आता ना जाके अपनी अम्मा से पूछो, और अगर अब भी समझ में नहीं आई ना तो फिर मैं तुझे एक ट्रेलर दिखाऊंगी। बतूल मेरी बात सुन, ये सारे सामान को ना ताला लगा के रखना,
पता नहीं कब कुछ चोरू चक्का इस घर में आ जाए। हाँ मम्मी, ऐसा ताला लगाऊंगी कोई नहीं खोल पाएगा। अबे ओ, ये तुम दोनों की उल्टी सीधी बातों का ना असर मुझ पे नहीं होता है, आई समझ में? शुक्र करो कि मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ, और जितने दिन तू यहाँ रहेगी ना मुझे ना छेड़ना, और अगर मुझे छेड़ा फिर तू देखना मैं तेरे साथ करती ही क्या हूँ, आई समझ? बतूल, ये मुझे धमकी नहीं दे गई? हाँ मामी, और ना बेइज्जती करके चली गई है तुम्हारी। अरे किसी की जरूरत नहीं है मेरी बेइज्जती करे, ये मेरी अम्मा का घर है, पीछे से नहीं लेकर आई ये घर, और वैसे भी ना ये सब कुछ मैं मुन्ने की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, ये मुन्ने की वजह से हो रहा है, और ऐसे छोटे मोटे चोर जो है ना इनको मैं क्या समझती हूँ, जरीना हूँ मैं, जरीना। ऐसे जो चोर होते हैं ना बच्चों से टॉफी छीन लेते हैं और फिर उनके बाप उनको मारते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने बोल दिया है ना, अरे इस मामले में मैं और सलमान भाई दोनों एक जैसी हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना तो उसके हाँ मैंने बोल दिया ना बस। हाँ हाँ, कल मिलकर आराम से बात करते हैं ना। हाँ हाँ, डन डन, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। कितनी दफा समझाया, वक्त बेवक मुझे फोन मत किया करो। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता बतूल, दिल का क्या करूं? अचार डाल लो। अचार खट्टा हो गया तो फेंक देना, दिल फेंक भी तो हो तुम। बतूल, अपने आशिक पर इल्जाम ना लगाओ। कहाँ हो? तुम्हारे घर के सामने ही हूँ। मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने का दिल कर रहा था, घर जाता हूँ ना घर काटने को दौड़ता है यार। ध्यान से, कहीं मेरी गली का कुत्ता ना काट जाए तुम्हें। अबे महबूब की गली का तो कुत्ता भी प्यारा लगता है। अच्छा कुत्ते से याद आया, वो इखलाक कहाँ है आजकल? नवाब, तुम्हें कितनी दफा समझाया कि मामू को इस तरह ना बोला करो, और वैसे भी वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं काम से। अच्छा तो मैं आ जाऊँ, बाहर ही खड़ा हूँ? अरे नहीं, मैं और मामी मामी के घर आए, और अब हम यही रहेंगे जब तक मामू नहीं आ जाते। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया ये खबर सुना के बतूल। और जो तुमने मेरा दिल तोड़ा अपनी अम्मा को ना बता के, मुझे तो तुम्हारी नीयत में फितूर लग रहा है। हेलो हेलो, क्या है यार? देती है कान पे पन्निया लेती है, कान पे हम तो गए थे, अरे इसकी पोनी खराब हो गई है, इसकी पोनी तो मैं अच्छे ही कर दूँ, ते तेली पोनी बनी हुई। अरे वाह फूल, फूल तो मैं खाऊंगी, प्याले फूल हैं, थाना ती फोटो भी लगी हुई है। अरे वाह, तो ये तो लाती नहीं ला, ये कल के लगाते हूँ, अभी लग जाएगा। ये तो लाती नहीं ला। ये क्या कर रही है तू? ताला ताला, मैंने तुम्हारी फोटो दीवार पे लगा ली हूँ। अरे मेरी क्यों, अपने शौहर की लगा, मेरी तस्वीर नहीं लगा? नहीं नहीं, फोटो लदे दी तो तुम्हारी ही लदे दी था। मेरी क्यों लगेगी? पता है ताला, मैंने ना एक फिल्म देखी थी, उसमें ना हीलो अपनी माँ की फोटो दीवार पे लगा रहा था और उसपे ना फूलों का हाल चला रहा था, मैं भी बिल्कुल उसी तरह ना तुम्हारी फोटो दीवार पे लगा के उसपे फूलों का हाल चलाऊंगी। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए, तू मुझे मानना चाहती है? अभी तो मुझे बहुत जीना है, मगर जब से मैं तुझे ब्याह के लाई हूँ ना, मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। तुम लोग सब पागल कर दोगे मुझे, ऐसे मार दोगे तुम लोग। तुम तो नाराज ही हो गई। नहीं, मैं नाचू गाऊ है ना। हाँ, बताओ कौन सा गाना लगाओ, अभी चलाती हूँ, नाचो नाचो। दफा मनुष मारी। अल्लाह, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, मेरे मालिक। फोटो नहीं लगाऊ क्या? नहीं लगाऊंगी। कमबख्त कहेंगी मुझे तो पागल करके रखेगी, मनुष्य कहेंगी। अरे थाला को पता नहीं क्या हो गया, तो इतने खुदे की बात है, मैं एक तो फोटो लगा लियो, इतने प्यारे से फूल लगा लियो, नाराज हो गए, नाराज होने तो हम तो फोटो लगाते हैं। अरे आओ आओ मेरी बच्ची, आओ बैठो। दादी मैं लाए आपके पैर दबाती हूँ आज। हाय हाय, क्या हो गया भाई, अभी मैं कोई इतनी बूढ़ी नहीं हूँ जो तुमसे पैर दबवाऊँ, मैं जवान हूँ। हाँ ये तो है दादी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सच सच बता दे, बात क्या है, हैं? अरे अपने बाप से कुछ मनवाना है या मुझसे कुछ मनवाना है? ओ दादी, आपको कैसे हमेशा पता चल जाता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ? देख बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इंसान का चेहरा पढ़ लेते हैं, उसकी सारी उलझने समझ लेते हैं। दादी मुझे आपकी किसी से बात करवानी है। मेरी?
किससे? वो मैंने आपको बताया था ना, मैं अज्जू को पसंद करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप उससे बात कर लें। आए, आए, लो भला बताओ, आए, मैं क्या उससे बात करूंगी है? अरे दादी, मैं चाहती हूँ कि कम से कम उसे यकीन हो जाए कि हमारे प्यार के बारे में मेरे घर के बड़े भी जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, लाओ कराओ बात। हाँ ये बात की ना आपने, थैंक यू दादी। अच्छा एक मिनट दादी, मैं आती हूँ। अरे यार, एक तो ये फैक्ट्री वाले ना दुनिया जान का मेरे से ही करवाते हैं लगता है। एक तो तनख्वाह इतनी कम देते हैं, ऊपर से काम काम काम। ओए शनास, हेलो शनास, खैरियत? इस वक्त कॉल? हाँ अंजू, वो एक्चुअली बात है कि तुम्हारी बात करवानी थी दादी से, और जरा अच्छे से बात करना क्योंकि दादी के नंबर हमें बाबा के सामने पास करवा सकते हैं, तुम समझ रहे हो ना? दादी हाँ अच्छा, बात कराऊँ दादी से? ठीक है ओके, एक मिनट। हाँ हाँ, ये लो दादी से बात करो, ये लो दादी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। दादी कैसी हैं आप? सेहत तो अच्छी है ना आपकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, ठीक हूँ मैं। दादी पता है शनाज आपकी बहुत तारीफ करती है कि मेरी दादी ऐसी हैं, मेरी दादी वैसी हैं, मतलब कोई भी बात शुरू करने से पहले आपकी पहले तारीफ करती है फिर बात शुरू करती है। लगता है शनाज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अच्छा मुझे पता है, मेरी बहुत तारीफ करती है, मुझे यकीन आ गया। वो दादी मेरे लायक कोई काम हो ना तो एकदम आंखें बंद करके अपना पोता समझ के ना मेरे को फौरन बता देना। अरे मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये लो शहनाज से बात करो। जी दादी। हाँ जू, हाँ ठीक है, बाद में बात होगी, खुदा हाफिज़। लगता है बात बन रही है। हाय अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बेटा जी दादी, अगर तुम यहाँ इसके साथ खुश रह सकती हो ना, तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। तुम मेरी जान हो, मेरा जिगर हो। और आप भी दादी मेरी इकलौती जान है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन आमीन। और आपको भी। Make sure these better.